वेलकम बैक टू माई चैनल रिचा लाइफ केयर्स। और आज मैं आई हूँ सेटल लंडन में, और आप देख रहे हो पीछे कितना अच्छा माहौल है, लोग चिल कर रहे हैं, विंटर्स इन्जॉय कर रहे हैं। और मैं आज आई हुई हूँ यहाँ इस लोकेशन में फ़ोटोशूट के लिए। फ़ोटोशूट आपको मैं बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाली हूँ कि डिफरेंट क्या होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि मैं आज एक ऐसे स्टूडियो में जा रही हूँ यहाँ पे आप सेल्फ पोर्ट्रेट पिक्चर्स ले सकते हो अपनी, और बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में आप खुद से अपनी पिक्चर्स क्लिक करोगे। कोई कैमरामैन नहीं होगा, कोई आपको वीडियोग्राफर नहीं होगा, आपको खुद अपने अच्छे अच्छे पोजेस देने हैं। और वहाँ पे पोजेस भी उन्होंने पिक्चर्स लगाई होंगी, इनकेस अगर आपको नहीं देने आते आप देखिए और पोजेस दीजिए। और ये भी बता दूँ ये यूके में एक पहला ऐसा स्टूडियो है यहाँ पे आप सेल्फ पोर्ट्रेट पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, जब मुझे इस कॉन्सेप्ट का पता चला तो मैं बिल्कुल नहीं रुक पाई, मैं इमीडिएटली यहाँ पे आ गई और इन लोगों ने मुझे खुद से इनवाइट किया है। मैं यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं करने वाली हूँ, इट्स फ्री फॉर मी। दे वांटेड मी कि मैं यहाँ पे आऊँ और उनके लिए शूट करूँ और पिक्चर्स क्लिक करूँ, एंड जो भी पिक्चर्स मेरे साथ रहेंगे वो मैं वीडियो के एंड में आपको थोड़े पिक्चर्स भी शेयर करूँगी कि देखिए ये रिजल्ट आया है। और इनकेस अगर आप लंदन में यूके में हो तो आप यहाँ पे विजिट जरूर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स क्लिक कीजिए, जो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा स्टूडियो में और वहीं पर दिखाते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या होने वाला है। गाइस वी आर गोइंग इनसाइड नाउ, और यूनिट 9B पे है हमारा जो स्टूडियो है। तो ये देखिए लिखा भी हुआ है चीज हैक ने। आई वॉच यू एज यू ड्राइव, डू यू नो। हाय, हेलो, ओके, ओके, लेट्स हैव सम सैनिटाइजर, थैंक यू। सो कैन वी गो इनसाइड? ओके, थैंक यू। Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? Oh, one second. Okay, is your name? My name is Jack. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Okay, so we are shooting here only. Yeah. Oh, okay, perfect. Okay, so that's looking nice. So these are the pictures which so many people have clicked it. Okay, oh my god. और रिचा का ये तो पूरा ब्लूपर हो गया है, ये बिहाइंड द सीन्स होता है। हां, तो शी इज गेटिंग रेडी फॉर द शूट। ओके, एंड ही इज जैक इज एक्सप्लेनिंग रिचा हाउ टू डू द शूट। गाइस ये देखिए, ये है जहां से मुझे अपनी सेल्फी पोर्ट्रेट पिक्चर्स क्लिक करने हैं। यहाँ पे मैं पोज दूंगी, वो देखिए इधर कैमरा भी लगा हुआ है, इफ़ यू सी ये बड़ा वाला कैमरा लगा हुआ है, और इस कैमरे के थ्रू पिक्चर्स क्लिक होती जाएंगी। एंड देन मैं जो भी पोजेस यहाँ पे दूंगी वो अपने आप इस टीवी में आते रहेंगे, लाइक यू नो द लैपटॉप, और आप समझ लीजिए इन्होंने एक स्क्रीन रखी हुई है। ये देखिए, ये वो वाला पिक्चर है जब वो मुझे बता रहा था कि आपको कैसे क्लिक करना है। तो इट ऑल अबाउट कि यहाँ पे खड़े होकर मुझे पोजेस देने हैं, बी कॉन्फिडेंट इनफ, बी योर सेल्फ, कुछ भी आपको वो शाई नहीं होना, एंड यहाँ पे प्रेस करना है इस बटन को, एंड द पिक्चर विल बी क्लिक देन। देखियो अगले पोस्ट की तैयारी हो रही है, और माय गॉड इतनी मेहनत तो कुछ और करने के लिए कभी नहीं की है, पर फोटो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ,
और देखो नेक्स्ट पोस्ट एकदम पूरा ड्रैकुला वाला फेस लगा रही है एकदम सबको डराने के लिए। नहीं पर ऐसा नहीं है, मतलब शी इज़ लुकिंग क्यूट नॉट क्विट। और फिर से अगले पोस्ट की तैयारी। यस गाइस, बहुत ही मुश्किल, ऐसा नहीं है कि आसान है, बट हाँ फन है। फोटो शूट करना इट्स अ बिग टास्क गाइस, यू हैव टू सी एवरीथिंग और बहुत मुश्किल है, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम और आप लोगों के लिए अच्छे यूट्यूब वीडियो तैयार करूँ। अरे बाप रे इतनी मेहनत कैसे कपड़े बिखरे हुए हैं नीचे। हाँ तो वो तो ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे प्राइस कितना है। देखिए अगर आप कोई भी कैमरामैन हायर करते हो फोटोशूट के लिए आते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर आप एक सेशन लेते हो जो कि सेशन है हाफ एन आवर का, उसका आपको 40 pound चार्जेस लगेंगे एंड दैट्स अ कूल थिंग आई थिंक। बहुत ज़्यादा मतलब आप बोलो तो चीप पड़ेगा आपको एज़ कम्पेरेटिव टू अदर स्टूडियोज़ अगर आप प्रॉपर कैमरामैन के साथ जाते हो। यहाँ पे आपको ये है कि अगर कैमरामैन सामने रहता है तो यू हैव ऑप्शन कि वो आपको पोजेज बता सकता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी पोजेज लगा के रखी हुई है कि इन केस आपको पोज देना नहीं आता तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो फोटो सेशन खत्म हो गया है। ओके श्योर, सो नो गाइस वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द पिक्चर्स हियर ओनली। ओके ओके यू वांट मी टू सिट हियर, परफेक्ट। सो हम लोग पिक्चर सेलेक्ट करते हैं अभी। ओके दो फोटोज हमने सेलेक्ट कर ली हैं। दीज आर द टू फोटोज, द टू पिक्चर्स वी सेलेक्टेड फॉर द प्रिंट आउट्स, सो दे आर गोना प्रिंट इट आउट फॉर अस नाउ, जस्ट शो देम फ्रॉम दिस साइड। ओके गाइस, सो सेकंड पिक्चर इज हियर, सो दिस इज द पिक्चर फॉर, ओके थैंक यू। सो दिस इज द फर्स्ट पिक्चर गाइस व्हिच आई गॉट इट एंड आई एम गेटिंग माय सेकंड पिक्चर नाउ, सो थैंक यू सो मच। तो गाइस मेरा फोटोशूट हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को मैंने दिखाया कि कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से अगर आपको अपना फ़ोटो पिक्चर्स क्लिक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये लंदन में बल्कि पूरे यूके में एक पहला ऐसा स्टूडियो है जो ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आया है एंड दैट्स अ गुड पार्ट गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा और ये भी देखा होगा कि बिहाइंड द सीन्स जब हम फोटोशूट्स वगैरह करते हैं तो कैसा माहौल होता है वहाँ पर, बहुत मेहनत लगती है, चेंजेस एंड ऑल। तो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय, सी यू, लव यू ऑल और स्टे सेफ, बाय। तो सौरभ इज रेडी, सौरभ मजा आया आज पिक्चर्स में बहुत ज्यादा, तो लेट्स गो, वेयर आर गोइंग नाउ, लेट्स सी गाइस। भूख लग रही है यार, अभी फटाफट कुछ खाते हैं एंड सौरभ इज लुकिंग फॉर सम गुड प्लेस टू ईट। वी कैन सिट हियर बट आई एम नॉट श्योर इफ वी गेट एनी वेजिटेरियन फूड हियर ना, वी हैव अ वीगन Yes, but let's go somewhere else. These are the burgers over here.